हेलो मेरे भाई और अंकित, आप सभी का स्वागत है उड़ता फिरता फिल्म रिव्यू शो में। तो आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा चुलबुल, अरे बाबू बाबुल बुलबुल। तो पहले एक जमाना था जब हमारी दादी हमें चुड़ैल वाली कहानियां सुनाती थी और हमें रात भर नींद नहीं आती थी। तो इस जमाने में दादी बन के आ गई है अनुष्का शर्मा और हमारे सामने OTT प्लेटफॉर्म पे रख दी है कहानी जिसका नाम है बुलबुल। सो दादी माँ की कहानियां सुन के हमें रात भर नींद नहीं आती थी और ऐसे ही, और आप बुलबुल मूवी देखोगे ना तो आपको मस्त नींद आ जाएगी। तो दोस्तों बुलबुल मैंने स्पेशल देखी अविनाश तिवारी के लिए। अब आप सर खुजा रहोगे कि अविनाश तिवारी है कौन, तो पहले G5 पे जाओ और लैला मजनू मूवी देखो। अविनाश तिवारी ने उसमें जो परफॉर्मेंस दी है यार, ये बंदे ने माशाल्लाह क्या परफॉर्मेंस दी है। तो अभी G5 जाओ और वहां जाके लैला मजनू देखो और ये बंदे की एक्टिंग को अप्रिशिएट करो। फिर आप आ जाते हो कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म करके और एग्जाम डालते हो बॉबी डार्लिंग पे, सॉरी मतलब कि करण जौहर पे। नेपोटिज्म तो आप फैला रहे हो, ऐसे बढ़िया एक्टर के बारे में आप जानते तक नहीं। सो गो ऑन G5 एंड वॉच लैला मजनू। तो दोस्तों बुलबुल देख के एक चीज तो पता चल गया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी भी हॉरर कंटेंट को लेके कितनी पीछे है। दोस्तों बुलबुल के डायरेक्टर ने इसमें हॉरर कंटेंट के नाम पे लाल कलर के रेड कलर के VFX डाले और एक चुड़ैल बता दिए और ढेर सारे आम के पेड़ का बगीचा एक बता दिया है, बस दूसरा कुछ नहीं है। हाँ एक पुरानी हवेली है पर उसमें कुछ भूतिया जैसा कुछ कंटेंट नहीं है। तो दोस्तों ये मूवी 1.5 घंटे की है। तो जब मैंने ये मूवी स्टार्ट की तो पहले 45 मिनट तो निकालना इतना मुश्किल हो रहा था जैसे कि 1 मिनट 1 घंटे के बराबर मुझे लग रहा था। तो स्टोरी इतनी लेंथी, इतनी बोरिंग और इतनी डल है। और आफ्टर 45 मिनट थोड़ा बहुत मुझे स्टोरी के बारे में पल्ले पड़ना चालू हुआ। तब तक के लिए तो मेरा दिमाग तो सुन्न हो गया था और सीरियसली तभी मूवी स्टॉप करके मुझे रिव्यू डालने का मन हो गया था, पर मैंने आपके लिए कंटिन्यू की ये मूवी। फिर ये बुलबुल का राइटर कौन है, जरा उसको सामने तो लाना ना। इस राइटर ने चुड़ैल को मतलब चुड़ैल बनाने का फॉर्मूला बताया है कि किसी औरत को अगर उसके फुट पे मतलब के पाँव पे जोर जोर से रोड से मारा जाए तो उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो चुड़ैल बन जाती है। ऐसे चुड़ैल बनती है, ऐसे कुछ भी बताने का। तुम्हारे से अच्छे तो मेरी दादी नानी वो सब अच्छी कहानियां कहती थी। मतलब ये तो ऐसा हो गया, यहाँ एक बबलू करके है, मैं वड़ा पाव खाने जाता हूँ तो मैं कल वड़ा पाव लेने गया तो मैंने कहा कि क्यों भाई प्राइस बढ़ा रही, तो उसने कहा कि आप टेस्ट तो कीजिए पहले। मैंने कहा कि चलो खिलाओ चलो चलो, चलो। तो उसने मुझे वड़ा पाव दिया, मैंने खाया। मैंने कहा कि टेस्ट तो वही है, 1 महीने पहले जो मैंने खाया था वही तो टेस्ट है। तो कहते हैं कि आपने ठीक से देखा नहीं। तो मैंने कहा कि क्या नहीं देखा, आप जिस वड़ा पाव में खा रहे हो वो न्यूज़पेपर देखा, पहले गुजरात समाचार आता था अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया दे रहा हूँ। तो मैंने भी कहा सारे चंगादर चौधरी के मैं यहाँ न्यूज़पेपर खाने नहीं वड़ा पाव खाने आया हूँ, ऐसा मतलब कुछ भी बताया है चुड़ैल का मतलब क्रिएशन कुछ भी बताया है। तो ओवरऑल मैं रेटिंग की बात करूंगा, कैरेक्टर के परफॉर्मेंस मुझे इस बारे में बात नहीं करनी क्योंकि स्टोरी बहुत डल है, कैरेक्टर सब बढ़िया है पर स्टोरी इतनी डल है, स्क्रीन पे ही इतनी वीक है, तो अच्छे से अच्छे एक्टर कैसी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो एट द लास्ट मैं रिव्यू देता हूँ, लेट्स चेक इट आउट ऑन रिव्यू मीटर। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ इसमें देखना नहीं पड़ा, आई गिव 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो मैं यही मानता हूँ कि अभी भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इंडियन सिनेमा को हॉरर में घुसने के लिए और ये स्ट्रगल पता नहीं कब कब खत्म होगा। सो दिस इज माई ओपिनियन अबाउट बुलबुल। तो अगर आपने देखी हो और देखने वाले हो, मैं तो आपको ये मूवी सजेस्ट नहीं करता, पर अगर आपने देखी हो तो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट इन बिलो सेक्शन। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं हो, लाइक मार दो सब्सक्राइब पे उंगली मार दो नहीं तो आपके पैर भी उल्टे हो जाएंगे। तो जी सपनों का ना सैनिक उड़ता है।